बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान। मोहतरम सुनने वाले डॉक्टर साहबान, जैसे कि आपको मालूम है कि आप लोगों की रहनमाई के लिए मैंने ये छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है। आज के सिलसिले का टॉपिक है जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस। तो किसी भी हिस्ट्री शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद पेशेंट प्रोफाइल और कंसेंट पे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, फिर पूछने हैं कि आपने क्या बच्चे इस वक्त अस्पताल में दाखिल है या ओपीडी में आए हैं और किस तकलीफ़ के साथ आए हैं। देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, तो आपने ये ज़रूर पूछना है कि क्या इस बीमारी से पहले बच्चा बिल्कुल ठीक था या कोई पुरानी बीमारी चल रही है। अक्सर औकात बच्चे पहले से डायग्नोज होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपनी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है। उसके बाद आपने एलेबोरेट करना है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को, जो भी उसकी कंप्लेंट्स हैं। उसके बाद आपने सिस्टेमिक रिव्यू और कॉम्प्लिकेशंस का पूछना है। जैसे कि जनरल सिस्टम के अंदर आपने पूछना है कि क्या भूख लगती है, बुखार होता है, वज़न कैसा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है। और उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में पूछना है कि क्या पट्ठों में दर्द होता है या हाथ लगाने से दर्द होता है। दिस इज़ टू रूल आउट टेंडरनेस। क्या बैठकर उठने में तकलीफ या मुश्किल होती है, प्रॉक्सिमल मायोपैथी। कंघी करने में तकलीफ होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है, दिस इज़ द प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। क्या रात को पट्ठों में दर्द होता हो, पट्ठे अकड़ जाते हो और इनमें बल पड़ते हो, जोड़ों में दर्द होता है, सुबह के वक्त जोड़ चिपके हों या अकड़े हों और हरकत करने में दर्द होता हो, सूरज की रोशनी में जाने से मसाइल बढ़ जाते हों। दिस इज़ अबाउट दी फोटोसेंसिटिविटी और द रिलेशन टू दी सनलाइट। देन यू आस्क अबाउट द कल्सिनोसिस, कि क्या बटक्स पर या कोनियों पर या उंगलियों के पीछे कोई सूजन वगैरह हुई हो, दिस इज़ द कल्सिनोसिस। देन यू हैव टू आस्क अबाउट द रैश, क्या पपोटों के ऊपर कोई ख़ारिश है या हाथों के ऊपर, खासकर हाथ की उंगलियों के जोड़ों के ऊपर कोई ख़ारिश या सुर्खी दाने निकले हों जो सूरज की रोशनी में बढ़ जाते हों। उसके बाद आपने लेवल ऑफ फंक्शनिंग के बारे में पूछना है कि बोलने में कोई तकलीफ़ होती है, ज़बान लड़खड़ाती है, खाने पीने और निगलने में तकलीफ़ हो या दिक्कत हो, बैठने में तकलीफ़ होती हो या बैठ कर खड़े होने में तकलीफ़ होती हो, घर में कोई तब्दीली की है जैसे कि बाथरूम में रेलिंग लगाई हो, कमोड तब्दील किया हो, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, क्या कोई व्हीलचेयर है या खुद जाता है या आप लेकर जाते हैं। उसके बाद आपने सिस्टेमिक रिव्यू के बारे में पूछना है, जैसे कि CNS, क्या रवैये में तब्दीली आई है, उदास रहता है, झटके लगते हों, जिस्म में कमज़ोरी हो गई हो या हो रही हो। उसके बाद देन आपने आइज़ का पूछना है, नज़र में कोई कमज़ोरी आई है या आँख में दर्द होता हो, ग्लॉकोमा या सफ़ेद मोतिया उतर आया हो, कैटरेक्ट। NCVS के बारे में पूछना है कि बच्चे को चक्कर आते हैं, कभी बेहोश हुआ हो या हाथ की उंगलियां नीली हो जाती हों ठंड के बाद, दिस इज़ अबाउट द रेनॉल्ड्स फिनोमेना, दिस इज़ द रेनॉल्ड्स फिनोमेना। फिर रेस्पिरेटरी, क्या बार बार छाती ख़राब होती हो, रिकरेंट एस्पायरेशन निमोनिया। GIT, क्या आवाज़ ख़राब हो गई हो, होर्सनेस ड्यू टू गैसोसेफियर फ्लक्स डिजीज, उल्टी आती है, दस्त लगे रहते हैं, बड़े पेशाब या पखाने में खून आता हो। इन रीनल, छोटा पेशाब कैसा आता है, किस रंग का आता है। Then you have to establish the diagnosis if the patient is already diagnosed. कब तशखीस हुई है, कैसे हुई है, कहाँ तशखीस हुई थी, इस वक्त उम्र क्या थी और क्या अलामत थी। Then ask about the investigations, कौन कौन से टेस्ट हुए हैं, NCS EMG NCS हुआ है या जिसे हमें कोई सुई डालकर टेस्ट किया हो, खून का टेस्ट किया हो या पट्टे की बायोप्सी या टुकड़ा लिया हो, दिस इज़ अबाउट मसल बायोप्सी। फिर आपने उसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में पूछना है, क्या इलाज हुआ था, अब क्या इलाज हो रहा है, कोई गोलियां खा रहा है, कोई वर्जिश या पट्ठों की मालिश कर रहे हैं, किस चीज़ से बीमारी बढ़ जाती है, क्या बीमारी लगातार रहती है या दरमियान में ठीक भी हो जाती है, फॉलो अप कितने अरसे बाद चेकअप के लिए जाते हैं, करंट स्टेटस। देन यू आस्क अबाउट द पास्ट हिस्ट्री, इस बीमारी के अलावा किसी और वजह से दाखिल हुआ हो, किस वजह से दाखिल हुआ था और कितने दिन दाखिल रहा था, क्या कोई दवाई खा रहा है। देन द रूटीन हिस्ट्री, अदर हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री, फीडिंग हिस्ट्री, वैक्सीनेशन हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री एंड सोशो इकोनॉमिकल हिस्ट्री। दिस हिस्ट्री आई हैव टोल्ड इन द जनरलाइज हिस्ट्री, तो वो आप उसके लिए वो वीडियो देख सकते हैं कि जनरल हिस्ट्री में आपने क्या क्या चीज़ें पूछनी है। इसके बाद इसकी एग्जामिनेशन में आपने सबसे पहले जनरल लुक देखनी है, जनरल लुक के बाद आपने इसके एंथ्रोपोमी वाइटल्स लेने, एंथ्रोपोमेट्री लेनी, जनरल साइज लेने, और इसमें सबसे पहले जो सिस्टम आपने एग्जामिन करना है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एग्जामिन करना है। और उसके बाद तो एक चीज़ याद रखें कि ये एक जनरल स्कीम है, आप अपनी हिस्ट्री किसी भी सीक्वेंस से ले सकते हैं, सिर्फ एक एम है कि आपने कोई चीज़ मिस नहीं करनी और सारी चीज़ें पूछनी है। और एग्ज़ाम के दौरान आपने
याद नहीं रखना, आपको चीज़ें जहन में याद होनी चाहिए ताकि आप उस वक्त डायग्नोसिस के ऊपर सोच सकें। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों का पेशेंस लेसने के लिए ये एक सदका जारिया है। आप लोग खुद भी सुनें और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं, और किसी भी किस्म की फीडबैक के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक इंतहाई एक अदना सी कोशिश है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी मकासद में कामयाब करे और हमें एक दूसरे के लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह हाफिज़।